आज अगर हम नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं तो उसका बहुत बड़ा श्रेय एक चाइनीज ट्रैवलर हुआन सांग को जाता है। वो चाइनीज ट्रैवलर जिसने चाइना में ही संस्कृत सीखी और फिर 6 साल तक ट्रैवल करके भीषण कठिनाइयों का सामना करके भारत आया। भारत में 18 साल तक रहकर ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो अपने साथ कई किताबें लेकर चाइना गए, जिनकी मदद से उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरे चाइना में फैलाया और इन्हीं वजहों से चाइना में उन्हें देवता तुल्य माना गया है। उनकी किताब रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन में 7th सेंचुरी के भारत के कल्चर, ट्रेडिशन और यूनिवर्सिटीज के बारे में बहुत डिटेल में बात करी गई है, जिसने 19th सेंचुरी में हुए नालंदा के एक्सकेवेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। भारत की विडंबना यही है कि इस देश में शहर आज भी उन आक्रांताओं के नाम पर है जिन्होंने हमारे ज्ञान के परंपरा को तोड़ा, पर हमारे कल्चर को संजोने वाले फॉरेनर्स का तो नाम तक हम नहीं जानते।